नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ मनीष ठाकुर भैया जुड़े हैं। जोड़ा तो था कि अडानी के मुद्दे पे जो तमाचा पड़ा है, इसके बाद रवीश कुमार, राहुल गांधी और बाकी खैराती पत्रकार जो मनीष भैया अपनी किताबों में लिख चुके हैं उनके बारे में, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, नोटबंदी पार्ट टू। हालांकि मनीष भैया और हम लोग लगा जब नोट 2000 का नोट आया था तब भी हम कह रहे थे कि समय के साथ ये बंद हो जाएगा, एटीएम से निकलने बंद हो गए थे। जो लोग समझदार थे, जो लोग करप्ट नहीं थे, उनको पता चल गया था कि ये होने वाला है। लेकिन कल कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बदले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस प्रकार से कुछ आए जो चौंका रहे थे कि शायद मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन आज मास्टर स्ट्रोक। मनीष भैया, पूरे निर्णय को आप कैसे देखते हैं? पहले तो नोटबंदी पे बात कर लेते हैं। ये नरेंद्र मोदी और परेशानी दिखने लगी है आपके खैराती गैंग जो है, रवीश कुमार जी ने ट्वीट कर दिया है, ध्रुव राठी ने भी ट्वीट कर दिया है इस मुद्दे पे, परेशानी है, हो रही है जबरदस्त। देखिए, परेशानी तो इनकी होगी, लेकिन ये इस बार आपकी मक्कारी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भ्रम फैला करके अव्यवस्था फैलाना चाह रहे थे पिछली बार, अब की बार जो ये 2000 का नोट है अभिषेक, इसका आम आदमी से कोई वास्ता नहीं है। जो ही नोटबंदी हुई, मैंने अपने श्रीमती जी से पूछा कि एक भी है क्या? उन्होंने कहा एक भी नहीं है। तो मैंने तुरंत फोन लगाया, अपनी माता जी से पूछा, क्योंकि पिछली बार नोटबंदी जब टाइम पीरियड खत्म हो गया था तो उनके पास 500 के कुछ नोट निकले थे जो किसी काम के नहीं रह गए। होता है महिलाएं कहीं छुपा के इधर उधर रखती हैं, भूल जाती हैं। तो मैंने माँ से पूछा कि एक भी है क्या? तो उन्होंने तलाशने के बाद कहा एक भी नहीं है। तो अब समझ जाइए, इसका मतलब है कि इसका आम आदमी से कोई वास्ता नहीं। यदि होगा भी मिडिल फैमिली में तो 2, 3, 4, 5, क्योंकि लोगों को ये अंदेशा था कि कभी ना कभी ये जल्द ही ये बंद हो जाएगा। होगा किसके पास? माफियाओं के पास, खैरातियों के पास। क्योंकि आप और हम मेहनत से जो कमाई करते हैं, तो हमारे पास कोई जो भी आएगा, आज के डेट में हम कई बार तो पर्स ले जाना भूल जाते हैं अभिषेक, तो सही बात है, हमारे पास तो सब कुछ अकाउंट में है। बिल्कुल, आप सब्जी वाले के पास जाइए, नारियल पानी में लेने जाता हूं तो वहां जाकर के आप जो है 20 रुपए का नारियल पानी, वो पेटीएम कीजिए। आप किसी के पास, फूल वाले के पास लेंगे, कोई ऐसा नहीं। इन लोगों ने पिछली बार क्या भ्रम फैलाया था? ये डिजिटल सिस्टम है, ये सब्जी वाला कैसे काम करेगा, ये एटीएम जो है कहां रखेगा। इन लोगों ने पिछली बार भ्रम फैलाने का जबरदस्त प्रयास किया, अब की बार ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आम आदमी को के लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का कि उनकी बेचैनी बढ़नी है, क्योंकि ये पैसा उनके पास को पता ये चला कि 2017 के बाद से छपना ही बंद हो गया है। तो अब वो लोग जो ड्रामा करेंगे कि बर्बादी किया, नोट छपने में इतने पैसे लगते हैं, 2000 के नए नए नोट थे वो बर्बाद हो गए। तो देखिए, 3 से 4 साल में आमतौर पर नोट डैमेज हो जाता है, और ये रिजर्व बैंक मानता है। मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक कह रहा है। इसका मतलब है कि 2017 से जो नोट छपा ही नहीं, तो धीरे धीरे, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एटीएम से पैसे निकल ही नहीं रहे थे। बीच में मुझे लगता है 6-7 महीने पहले कुछ पैसे निकले एटीएम से 2000 के, वरना पेटीएम एटीएम से पैसे निकल ही नहीं रहे थे। इसका मतलब सरकार ने बड़ी प्लानिंग में किया। और नरेंद्र मोदी का फैसला तो ऐसा होता है कि कल जैसा आप कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक थी, मंत्रालय बदले गए, बहुत चौंकाने वाला था। नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाते हैं। अभी देखिए, आज वो उरनछू हुए जापान के लिए, और इधर आरबीआई ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो मतलब ये कि इन खैरातियों को, और खैराती तो छोड़ दीजिए, सो कॉल्ड जो कहते हैं ना कि सत्ता में मेरी पहुंच है, ये अदालत लगाने वाले बड़े बड़े संपादक, ये तिहार रिटर्न सो कॉल्ड राष्ट्रवादी संपादक, ये सबके सब, मतलब जो पहले कह रहे थे कि अरे गृह मंत्री को तो मैं फोन करता हूँ, ये ड्रामेबाजी करते थे न्यूज रूम में अपने रिपोर्टरों को, क्योंकि लंबे समय टेलीविजन में काम किया है इन सब के साथ, तो ये ड्रामेबाजी करते थे कि आज गृह मंत्री से बात हुई, आज ये खबर उन्होंने मुझे दिया। अब तो इन्हें तुम्हें क्या फर्क पता कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन हट रहा है, इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर नहीं पता चल पाती। तो मुझे लगता है कि इस नोटबंदी से अब की बार आम आदमी बहुत, पिछली बार भी आम आदमी बहुत खुश था, लेकिन पिछली बार आम आदमी को थोड़ी परेशानी तो हुई थी, हम सब को थोड़ी परेशानी हुई थी। अब की बार हमारे आपके जैसे आम आदमी का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये उन माफियाओं के लिए है, ये ब्लैक मनी टेरर फंडिंग वाले
उनके लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग के धंधेबाजों के लिए है, उनकी रात की नींद उड़ेगी। लेकिन उनके लिए भी सब्र, 30 सितंबर बहुत लंबा समय है, बहुत समय 30 सितंबर तक वो जमा कर सकते हैं बैंक में, किसी भी ढंग की पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो है कि पता तो चलेगा कि इतना माल तुम्हारे पास था कहां से। इसका मतलब है कि जो ब्लैक मनी है वो लोग छुपा लेंगे, पब्लिक में आएंगे नहीं, और कम से कम इससे आपकी इकोनॉमी पे एक मतलब एक सकारात्मक असर तो पड़ेगा। नहीं मनीष भैया, इस पे एक और बात है, हम देख रहे थे जब छापे मार रही थी ईडी तो सिर्फ 2000 के नोट अधिक निकल रहे थे, यानी जो जमाखोरी हुई थी उस पे ये प्रहार है। पिछला वाला जो है जो जाली नोट सर्कुलेट थे उस पे प्रहार था। हालांकि बेचैनी आपके खैरातियों में दिखने लगी है, ट्वीट होने लगे हैं हर एक खैराती पत्रकार ने। रवीश कुमार जी ने भी कहा है कि चिप निकाल के फेंक देना है कि नहीं फेंक देना अपने टिपिकल अंदाज में। खैर आते हैं रवीश जी के फेवरेट टॉपिक पे, अडानी पे। रवीश जी ने खूब शो किए, धूर्त राठी ने भी किया, और राहुल गांधी जहां जाते थे कहते थे अडानी अडानी अडानी। तो मनीष भैया, एक दो तरह से इसको मैं देखता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर तमाचा मारा है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे इनके धूर्तता में कोई कमी आएगी? देखिए, इनके धूर्तता में कुछ कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये इनका जो बिजनेस है, जैसे पत्रकारिता हमारा पेशा है, आपका पेशा है यदि, तो वो उनका पेशा है। ये षड्यंत्र का ही पैसा तो जॉर्ज सोरेस से सब पा रहे हैं, अब तो खुल करके सामने आ गया। अब ये लोग, लेकिन इनका एक गैंग है दरअसल, इन्हें इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि उनके फॉलोअर्स हैं, वो यूट्यूब पे आया, एकाएक छा गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें पसंद करने वाला है, एक वर्ग है। भले मैं तो कहता हूं, बार बार हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत सरकार को ट्रैफिक पता करना चाहिए कि इन सबके, इन भारत द्रोहियों जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका ट्रैफिक कहां से है। अब देखिए, एकाएक पाकिस्तान की जो बदहाली हुई है, इनके ट्रैफिक पे असर पड़ा है। लेकिन ये बहुत बड़े, जैसे कि नोटबंदी हुआ, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक इन लोगों पे होनी चाहिए। इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हैं। वो जो मेरा एक सनसनीवास संपादक है, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी मोदी जो है वो डरता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। मतलब मोदी डरता है, ये थंबनेल मुझे किसी ने भेजा है, क्योंकि अब मुझे तो खैर ना उसके उस पे जा पाता हूं, ना उसने ट्विटर और फेसबुक पे तो मुझे पहले से बैन किया हुआ है ना, वैसे मैंने आज तक व्यक्तिगत रूप से उसके वाल पे कभी नहीं किया। ये खुद कहा करता था कि टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, ये खुद अनपढ़ गैंग है। मैं जानता हूं कि चूंकि राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़ करके, किसी न किसी के पूंछ पकड़ के ये लोग सिर्फ सीधे संपादक बने, संघर्ष करके तो आए नहीं है। तो इन्हें जब आपको मुफ्त में कोई चीज मिल जाती है ना, तो उसकी कीमत नहीं होती है। इन सबको लगता है कि हर इस तरह के, अब सबको पता है कि ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, एक एक ट्वीट के हजारों हजार रुपए मिलते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसी से कमाई का माध्यम है। तो ये हैं जो आप उनके स्टाइल का जो एक वो मिमिक्री करते हैं, वो बिल्कुल वाजिब है कि इन लोगों को ये लगता है कि एक ट्वीट करके इन्होंने अपने आका को खुश कर दिया। अब सोचिए, वो हिंडन नदी है दिल्ली में, जो उसके लिए नीचे उतर के ड्रामा करने लगा, हाँ मिस्टर हिंडन हिंडन, कितना भ्रम फैलाया इन लोगों ने, कितना भ्रम। इससे महत्वपूर्ण ये नहीं, अभिषेक देखिए, भारत के अर्थतंत्र को तोड़ने का षड्यंत्र होता है। हम कोरोना काल से निकले हैं और वो एक ऐसा बुरा दौर था, हम तो कभी कभी हम लोग कल्पना करके चौंक जाते हैं कि यदि इस देश के पास नरेंद्र मोदी जैसा शासक नहीं होता इस कोरोना काल में, तो हमारी तबाही बर्बादी तय थी। अलग अलग राज्यों में जो वामपंथी कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी भी कहते थे ना कि ये देश जो है पूरे भारत एकीकृत जरूरत नहीं है, हर राज्यों के पास अलग सिस्टम होना चाहिए, तो ये कोरोना काल में भारत को तोड़ देने की भी प्लानिंग होती। लेकिन बड़े प्लानिंग से, चूंकि हमारी सरकार ने, हमारे भारत ने जो वैक्सीन बना लिया, और सामान्य नहीं है, कोई हम छोटे देश नहीं है दूसरे इंग्लैंड की तरह या दूसरे देशों की तरह, यहां पर 125 करोड़ लोगों को लगना था, और ये दुनिया में ये परेशानी किसी की भी नहीं थी। चाइना ये कर पाया नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी खबर तो कभी बाहर आती नहीं है। ये पूरे भारत के अर्थतंत्र को तोड़ देने का लगातार षड्यंत्र था। आपको याद होगा नोटबंदी में, के समय भी, मनीष भी ऐसा नहीं है, कोरोना के समय भी इन लोगों ने प्रयास किया था कि भारत अपने सारे सामान जो है वो चीन से इम्पोर्ट करे। ये लगातार इस जैसे होता ना, कोई अमेजोन का इन्फ्लुएंसर, उस प्रकार का काम, दवायर प्रिंट, आपका ये सनसनीबाज, जिसके आजकल वैसे आपका सनसनीबाज धीरेन्द्र शास्त्री जी में थोड़ा व्यस्त है, पिछले दो दिनों से ट्वीट कर रहा है सनसनीबाज पत्रकार आपका फेवरेट। लेकिन अब थोड़ा सा, चूंकि आप 20 मिनट 25 मिनट के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा
सीमित समय में बहुत दिनों बाद आपको बुलाता हूं तो सब खत्म करेंगे, कैबिनेट एक्सपेंशन पे बात करते हैं। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो एक टशन चल रहा है इससे कार्य भी बाधित हो रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि ईगो पे ले लिया है, क्योंकि दो साल के लिए तो चंद्रचूर थे और उन्होंने अपने कई चीजों को ईगो पे ले लिया है और इस वजह से जानबूझ करके सोची समझी नीति के तहत सरकार के खिलाफ भी कई फैसले जा रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने बैलेंस करने का प्रयास किया है, एक जो कहते हैं हु विल ब्रेक द आइस, उस पैटर्न पे काम करने का प्रयास किया है? क्योंकि किरण रिजिजू के थ्रू जो कोर्ट को धमकाना था, डराना था, शायद वो काम हो गया, अब मामले को कूल डाउन कर रहे हैं। देखिए अब पूरी गहराई से इस चीज के लिए मुझे लगता है कि पता कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना समझना है कि निश्चित रूप से जितना मुझे समझ में आता है किरण रिजिजू प्रधानमंत्री मोदी के ब्लू व्हाइट बॉय हैं, बहुत मतलब भरोसेमंद प्रिय हैं। इसलिए क्योंकि आप शुरुआत में देखिए उनके पास कोई बहुत पुराना अनुभव नहीं है, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई उम्र उनकी है नहीं। जब राहुल गांधी अभी युवा हैं तो समझ लीजिए किरण रिजिजू क्यों, उनकी उम्र उस मायने क्या है उनकी। उन्हें खेल और युवा मंत्रालय दिया, खेल मंत्रालय मोदी का पसंदीदा था जब वो आए थे, क्योंकि भारत में वो खेल पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे। उसके बाद रविशंकर प्रसाद जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को हटा करके किरण रिजिजू जैसे जूनियर व्यक्ति को कानून मंत्रालय देना, मुझे लगता है कि ये बड़ी प्लानिंग वे में थी और ये लॉन्ग टर्म था नहीं। और कई मामले में मोदी मुझे बहुत निर्दयी लगते हैं देश के सामने, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी को ये लगे कि उसका कद छोटा हो गया कद बड़ा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 24 आवर्स पॉलिटिक्स करते हैं। और जैसा आपने कहा कि किरण रिजिजू, कई लोग कहते हैं कि बड़बोलापन खा गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बरबोलापन खा गया, टेलीविजन चैनल से लेके पूरा यूट्यूब सब, कपिल सिब्बल भी यही बात कहते हैं कि बरबोले थे वो। किरण रिजिजू कानून मंत्री थे और 2 साल से जो बरबोले थे तो उनपे लगाम कसा जा सकता था। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने एक शब्द भी बिना ऊपर के इशारे से कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जिससे इस देश की जनता की मना स्थिति बनी कि कोलेजियम सिस्टम इस देश में खत्म होना चाहिए। कोलेजियम सिस्टम, ये किरण रिजिजू कम से कम देश के जनमानस में भाव दिला गए। किरण रिजिजू ने यह साबित कर दिया कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज भाई भतीजेवाद से आते हैं और ये कह सकते हैं मोरल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत कमजोर किया है। हो सकता है ये तिलमिलाहट रही होगी, सुपरमेसी जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सुपरमेसी रहा हो। मैं कहता हूं यदि बरबोलापन किरण रिजिजू का है तो उससे 4 कदम आगे तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का है, जो राज्यसभा के सभापति होते हुए उन्होंने तो ये कह दिया 1973 का वो कानून बदल दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट का बेस है। तो ये कोई बरबोलापन नहीं था, एक स्ट्रेटजी। और मेरा मानना है अभिषेक जी कि देखिए देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट तो कतई नहीं होनी चाहिए और ना देश की जनता में, दोनों इस देश के मतलब दो महत्वपूर्ण पहिए हैं डेमोक्रेसी के और इनमें कहीं टकराहट कभी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी मर्यादा है और सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारी न्याय तंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है और एक भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यदि सुपरमेसी हो जाए, संसद से बड़ा आप नहीं हो सकते। सरकार ने यदि कानून संसद से पास किया सीए तो हर मामले में यदि आप कुंडली मार के बैठ जाएंगे तो एक मैसेज जाता है। और दूसरी थी कि देखिए यदि 60-65 साल से यदि किसी सिस्टम का कब्जा रहा है, वो कश्मीर फाइल्स की का एक डायलॉग है ना कि सरकार भले ही उनकी है सिस्टम तो अपना है, तो सिस्टम ऐसे ही नहीं है। मैं बार बार इशारा करता हूं चूंकि मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, ऐसा क्या है कि मैक्सिमम मामले में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3-4 वकील आते हैं, हजारों वकील सुप्रीम कोर्ट के पैनल में है और लेकिन आप मैक्सिमम देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल या 2-4 और आप नाम ले लीजिए, उन सब के नाम के अलावा हर मैटर में होते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है? ये चीजें मुझे लगता है कि इस देश को इस जानने का हक है कि फिर इतने सारे लोग जो लॉ की डिग्री लेते हैं उनके क्या मायने हर मामले में क्या होता है। आज ही पता चला कि कपिल सिब्बल का इस मामले में है, पता चला कपिल सिब्बल 5 नंबर कोर्ट में है, अरे वो 7 नंबर कोर्ट में है, तो डेट लग गई। मतलब सिब्बल के कारण सिब्बल साहब इतने ताकतवर हैं कि आजम खान का मैटर आज का चाहिए तो आज ही लगेगा और अगले दिन जो है आजम सिब्बल साहब दूसरे कोर्ट में हैं तो अगले दिन की तारीख लग जाएगी। आम आदमी के साथ क्या होता है? तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को यह सब भी आईना दिखाना था
और बड़ी बेबाकी से किरण रिजिजू ने सब कुछ कर दिया है। किरण रिजिजू ने बतौर कानून मंत्री वो काम कर दिया है जिसके लिए इस देश को उनका एहसानमंद होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि भले ही स्ट्रेटजी अपने वो बॉस के इशारे पे काम कर रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई इतने गंभीर मंत्रालय में सुप्रीम कोर्ट को लेकर इतना गंभीर टिप्पणी नहीं कर सकता। और जो काम होना था वो हो गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आप देख ही रहे होंगे कि उसके बाद के निश्चित रूप से हमेशा हर चीजें सरकार के फायदे के लिए नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव आपको भी दिख रहा होगा। नहीं मतलब मैं वही पूछ कह रहा था कि जो ये कपिल सिब्बल वाला आपने बताया, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ये जब यूयू ललित जी मुख्य न्यायाधीश थे ये कितने परेशान हो गए थे उनसे। उन्होंने कह दिया था ऐसा है तुम अपने जूनियर काउंसिल को भेजो, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो अब आते हैं थोड़ा सा इसके दूसरे पे कि जातीय जनगणना को लेकर के कोर्ट का बयान, या फिर अडानी को लेकर के, या फिर केरला स्टोरी को लेकर के, या फिर बंगाल सरकार को आईना दिखाना। लेकिन इसी बीच आज जो निर्णय आया ज्ञानवापी को लेकर के, थोड़ा सा उसमें भी बात करें। दर्शकों को कंफ्यूजन है, कुछ हाइपर हिंदू देश में पैदा हो गए हैं जो कल हिंदू राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से 7x7 के कमरे में रह के बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता चेतावनी दे रहा हूं, ऐसे लोगों से बचिए। नहीं मनीष भैया, मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से और मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बोलना बहुत जरूरी है। 7x7 के कमरे में यूट्यूब में चला करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। हिंदू राष्ट्र कब कैसे क्या करना है, आपसे बड़े बड़े विद्वान लोग वहां पे बैठे हुए हैं। इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं है। मुस्लिम समाज फंस गया है यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा है कि मैं इस पूरे मामले को एक बार देख लेना चाहता हूं कि जो वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग होगी उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, इसके बाद जो है हम अगली तारीख में इस पे बात करेंगे कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। ये कार्बन डेटिंग भी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया ये इजाद 20 साल पहले ही हुआ, ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इससे पता चलेगा शिवलिंग की क्या। इस बारे में थोड़ा सा मनीष भैया बताइए कि कुछ आपको भी लग रहा है कि कुछ देश में अचानक से, जैसे 2019 में नोटा वीर आ गए थे, अचानक से हाइपर हिंदू आ गए हैं जो कल के कल नरेंद्र मोदी और योगी को हटा करके नया राष्ट्र बना देना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग परसेप्शन अभिषेक तय करते हैं, और चूंकि आपसे मान लीजिए कि आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, 2.5 लाख सब्सक्राइबर आपके हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानेंगे कि अभिषेक तिवारी जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, क्योंकि ये साख आपने बनाया है। अब एकाएक आप यदि कोई एजेंडा चलाने लगे तो जो लोग आपके एकदम से बिल्कुल आपकी बात पे 100% विरोध वो भरोसा करने लगे हैं वो कोई खैराती नहीं होते, वो आमजन होते हैं, उनका सेंटिमेंट होता है। अब आपने मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कह दिया कि भाई आपको लगा कि भाई इतने दिन मैंने काम किया मुझे सरकार ने भाव नहीं दिया, आप यदि सरकार के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, आप यदि नरेंद्र मोदी के लिए काम करना कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यदि काम कर रहे हैं तो आप मरेंगे। आपने यदि कोई विचारधारा, यदि आपकी निष्ठा, भाई मेरा मतलब किसी नरेंद्र मोदी से नहीं है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, मुझे लग रहा है कि उनका विकल्प वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, एक चीजें हैं कि मैं सामने रखूं। अब मैं तो बार बार कहता हूं मैं तो अपने सोसाइटी से बाहर ही नहीं निकलता, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब रखता हूं, तो मुझे आप टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपने इस दौरान कुछ लेखन पढ़न से चाहते रहे कि हम दुकान चला लें, कुछ जिम्मेदारी मिल जाए, ये वही जो खैराती करते थे जो कांग्रेस के दौर में, वही सिस्टम रहेगा, कांग्रेस के दौर का सिस्टम रहेगा आज भी, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। जिन लोगों की दुकान नहीं चली, उन लोगों ने कह रहे थे पान की दुकान जो अपने यहाँ होता है ना बिहार में, वो यार यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, इसको उखाड़ करके थोड़ा इधर साइड में रख लेते हैं, शायद यहाँ पे चले, तो ये एजेंडा अपना है। मुझे लगता है उन सबसे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और जो बात आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, देखिए लोअर कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, लोअर कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट जिसे कहते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए होता है कि मैं कई बार मैच्योरिटी की कभी भी बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को माना जाता है कि मैच्योर ज्यादा है, भले ही हो सकता है भाई भतीजावाद से कुछ आ जाते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं कि यूयू ललित साहब हों या भी अभी वर्तमान चीफ जस्टिस है, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत टैलेंटेड है। अब कई लोग टैलेंटेड लोग हो सकता है कुछ विचारधारा कई बार प्रभावित हो जाए, लेकिन माना जाता है कि भारत के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं वो बहुत शार्प हैं, हम लोग बहुत पहले से सुना करते थे कि बहुत शार्प हैं। तो
कई मामले में बहुत गंभीरता से होता है कि ये ऐसा ना लगे कि हाई कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे सुनेगा। और इसका मतलब नहीं कि हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया, इसका मतलब ये कि सब कुछ रुक गया। देखिए अब चीजें बदल गई है, आपको किस बात की आपत्ति, अगली बार पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कि आपको आपत्ति क्यों है इस वैज्ञानिक तकनीक से ये जांच हो जाए कि जिसे ये शिवलिंग कह रहे हैं वो कितने साल पुराना है। यदि वो इतने साल पुराना है कि जब आपकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो फिर आप पूरा आपका जो षड्यंत्र है वो धराशायी रह जाएगा। भाई आप डर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि आप जान, ये तो हमारे लिए अपमानजनक है ना, ये सनातनियों के लिए अपमानजनक है कि उसकी जांच होगी और यदि जांच में फेल हो गए तो हम हार जाएंगे। भाई तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? डर तो हमारे लिए होना चाहिए ना कि हम कह रहे हैं जांच कर लो, हम कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड। दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसका बहुसंख्यक कहता है कॉमन सिविल कोड, वरना हर जगह क्या होता है, बहुसंख्यक तय करता है ये। तो ये चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, मुझे लगता है कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में कुछ दिनों बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी वेकेशन बेंच आना है और ज्ञान वापी पर जो अब पर्दे जिस तरह से हट रहे हैं, मैं अभी हाल में बनारस से होके आया हूं, अभी 15-20 दिन पहले पहली बार मैंने ज्ञान वापी का जो मस्जिद परिसर है उसे खुली आंखों से देख पाया। यहां चोट लगा है मुझे, हाँ मतलब बिल्कुल आमतौर पे जब गया तो बस उस मंदिर में गया, दर्शन हुआ, नंदी को भी के भी दर्शन नहीं हुए। नंदी जिस तरफ घूमे हुए हैं यही प्रामाणिक है कि असली मंदिर कहाँ है। अब देखिए सो ठीक बात कॉल्ड हिंदुत्व, गर्भगृह उखड़ गया, फलाना हो गया, अरे भाई सच तो ये है कि जहां हम पूजा कर रहे हैं वो असली गर्भगृह है ही नहीं। तो ये नौटंकी, ये भ्रम फैलाना, ये तो ठीक उसी ढंग से काम कर रहे हैं अभिषेक जैसे ये खैराती कुमार कर रहा। खैराती बस चलिए एजेंडा वही है, बस कहां चोट पहुंचाना है। ये चीजें समझ में आ रही है कि आप एकाएक आप लोग क्यों पलट गए हैं, एकाएक एकाएक सब चीज बुराई। और ये कह देना कि नहीं, 2014 के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे 2014 के बाद क्या हुआ है कि मैं आज विश्लेषण कर रहा था अपने चैनल पे कि जो जो संसद भवन बन रहा है उसका उद्घाटन कब होगा? 28 मई को। वीर सावरकर जी के 28 मई क्या है अभिषेक वीर जी? सावरकर वीर वीर सावरकर जी सावरकर की जी के जयंती है, जिस वीर जी सावरकर को आपने लगातार अपमानित किया, मतलब उसकी तुलना किससे हो रही है? और मैंने अलग ढंग से इसका विश्लेषण किया, मुझे लग रहा है कि ये लकीर खींची जा रही है, लकीर किसी की निसंदेह छोटी नहीं की जा रही है, लकीर बड़ी की जा रही है कि वीर सावरकर भारत रत्न के लिए। यदि गांधी को भारत रत्न नहीं मिल सकता तो वह सावरकर जी को भी नहीं मिल सकता मिलेगा। सावरकर बिल्कुल की लकीर इतनी बड़ी होगी कि सोचिए 26 मई नरेंद्र मोदी की सरकार की, 2014 बिल्कुल के हिसाब से 9 साल हो रहे हैं, वो दिन हो सकता था। 30 मई भारत के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का दोबारा चयन है, ये हिस्टोरिकल डे है 30 मई। 30 मई का भी चयन हो सकता था। ये 30 और 26 के बीच 28 क्यों? ये समझने के लिए काफी है जो वो लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र कब होगा। अरे हिंदू राष्ट्र बाप बाप चिल्लाने से नहीं आता है। इस देश का सही बात प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा करके बनारस के घाट पर बैठता है। और मैंने उस ढंग से भी कहा कि न्यूज चैनलों में कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि कोई टिक्का लगा करके लाइव आए, त्रिपुंड लगा करके बड़े बड़े रिपोर्टर जो हैं लाइव करते हैं बनारस से, मथुरा से, इधर से उधर से। ये पहले कभी होता था क्या? ये नहीं, सब सच तो ये है मनीष भैया, नेतृत्व 2014 के बाद पूरा परसेप्शन बदल दिया है बिल्कुल सिंबोलिज्म का, हिंदुत्व का। आपसे बिल्कुल चूंकि सीमित समय है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन इसको रखेंगे। कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद क्या नरेंद्र मोदी जी अब 1 साल सिर्फ पॉलिटिक्स करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसको कहते हैं हार्ड कोर रियल पॉलिटिक्स, क्योंकि 2 दिन से वो दिख रहा है कैबिनेट और अब ये, और न जाने आने वाले समय में क्या क्या है, क्योंकि अब शायद सरकार भी चाहती है कि चलो जितना विपक्ष को बोलने देना था, अडानी अंबानी ये वो, अब इट्स टाइम टू हम पॉलिटिक्स करें, क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शन है। जी अभिषेक, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ये 24 आवर पॉलिटिशियन है। और मैं कुछ हद तक मानता हूं कि नीतीश कुमार भी इस श्रेणी में आते हैं। नीतीश कुमार षड्यंत्रकारी 24 आवर का, वो व्यक्ति बिल्कुल सोचिए कि बिल्कुल 34-35 विधायक लेकर के यदि वो बिहार की सरकार चला रहा है अपने से 4 गुना पार्टी को दबा करके या फिर जी बीजेपी को, तो इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो भी नहीं 24 आवर पॉलिटिक्स करता है, लेकिन उसके 24 आवर्स का सलीका अलग है। यदि वो 24 आवर पॉलिटिक्स नहीं करते तो बिहार जैसे प्रदेश में लालू यादव
को नाथ करके रखना सामान्य बात नहीं है, बीजेपी को नाथ करके रखना बड़ी पार्टी को सामान्य बात नहीं है। मैं इधर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की लड़ाई में आप संभव नहीं, हो सकता नीतीश वाला मामला बहुतों को अजीब सा लगेगा लेकिन ये सच है। सही बात है, सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि मात्र 35-36 एमएलए लेकर के वो आदमी इतने समय से लगभग 17-18 साल से लगातार चीफ मिनिस्टर रहता है। कम से कम उस यदि जातिवादी बिहार में 3-4% उनकी जाति के लोग हैं, फिर भी यदि वो घोर जातिवादी व्यक्ति यदि इस तरह से एजेंडा चला रहा है, इसका मतलब वो दिमाग से 24 घंटे पॉलिटिक्स करता है। वो शारीरिक रूप से नहीं, वो दिमाग से 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इस उम्र में भी 24 आवर्स, योगी आदित्यनाथ 20, तो ये आज नहीं है कि कर्नाटक चुनाव के बाद, वो एक हार के बाद उसे भूल जाते, देखिए कि उसके बाद वो राजस्थान जाने लगे। अब उनका जो वो राजस्थान मध्य प्रदेश आप देखेंगे कि वो ज्यादा शुरू हो जाएगा क्योंकि आगे चुनाव आना है। ये नोटबंदी भी इसी इशारे में माना जा रहा है कि ये जो कांग्रेस के 3 स्टेट हैं, अगला वाक्य है ये समझिए, कर्नाटक से ज्यादा महत्वपूर्ण ये 3 स्टेट हैं जहां पर विपक्ष में कांग्रेस है। और माना जाता है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी ऐसा है, ये नोटबंदी इसी साल के आखिर में जो 3 राज्यों का विधानसभा है उन 3 राज्यों में क्षत्रिय छत्रप नहीं है अभिषेक, 3 राज्यों में कांग्रेस है। नोटबंदी का चोट लोग मानते हैं कि पहला नोटबंदी का मायावती को पड़ा, ये पॉलिटिकल इसीलिए कहते हैं हमारे और आपको फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा। इस नोटबंदी से सफेद पोशों, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाड़ियों, जो इस एंटी नेशनल एक्टिविटी में रहने वाले, टेरर फंडिंग करने वाले, इन सबको फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये 24 आवर्स जो आप कह रहे हैं ना, ये 24 आवर का हिस्सा है, ये अगले 3 विधानसभा है उसकी तैयारी है, फिर आगे जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी है। अभी कोई कह देता कि नवंबर में चुनाव है, अभी कैसे, ये तत्काल प्रभाव से एक्शन जो लिया गया है वो 24 आवर्स हमेशा के लिए है। इसीलिए इस देश को ऐसा नेता चाहिए जो 24 आवर, इसलिए नहीं कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, तो वो 24 आवर उसी में लग जाता है। इस देश के ज्यादातर नेता अपने बच्चे को खिलाने में, भाई आप सोशल वर्कर हैं, आप 8 घंटे की नौकरी नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स और 8 घंटे की नौकरी में फर्क है। आप तो या तो आप इस पेशे, जैसे पत्रकारिता है, पत्रकारिता भी सामान्य आदमी का पेशा नहीं है, इसीलिए ये हमारे संपादक अक्सर कहते थे फिर इस पेशे में तुम्हें आना नहीं था, यदि चिंता करते हो कि मैं कल अब 2 घंटे घर पे रह पाया तो इस पेशे में क्यों आए, मेडिकल का पेशा है, डॉक्टर का पेशा है, मुझे लगता है सामान्य पेशा नहीं है। वैसे ही राजनीति सामान्य पेशा नहीं है, इसमें अब वही, इसीलिए इसमें लकीर चूंकि मोदी और योगी ने इतनी लंबी खींच दी है, दूसरे इसमें ठसक नहीं पा रहे हैं, थम नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद मनीष भैया, आप शो में आए उसके लिए, एक क्वेश्चन था वो मैं ले लेता हूँ। अभिषेक जी, मनीष जी, और कमेंट्स और ओपिनियन ऑफ ब्लॉकिंग कार्बन डेटिंग, आई थिंक इस पे हम लोग आपके प्रश्न पे हमने शो कर लिया है। मनीष भैया शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष ठाकुर शो को भी सब्सक्राइब कीजिए, अभिषेक तिवारी शो को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बाकी हाइपर हिंदूज के लिए प्रवचन ये है कि भाई हिंदू राष्ट्र पिछले 70 साल के नैरेटिव को तोड़ करके ऐसे नहीं बनता। 1992 में आरएसएस हमारे घर के दीवार पे लिख के गया था, गर्व से कहो हिंदू हैं, और आज 2014 के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। समय लगता है परसेप्शन की लड़ाई जीतने में। धन्यवाद मनीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम।